अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ जिस प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करने लगी हूँ, ये है गोल्डन पर्ल की स्किन पॉलिश। और यकीन करें, इसका रिज़ल्ट ऑसम है। आप इसको जब भी किसी पार्टी वगैरह में जाना हो, और जैसा कि आजकल कोरोना के डेज हैं तो हम पार्लर वगैरह नहीं जाते हैं, आप इसको लें, बाय करें और इसको अप्लाई करें। जस्ट 3 स्टेप्स हैं इसके, ठीक है। इसकी इतना अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन हो जाएगी। ये मैंने गोल्डन पर्ल स्किन पॉलिश जो है मैंने जस्ट 150 रुपीज़ में लिया था। ये मुख्तलिफ रेट्स हैं इसके, कहीं ये 100 का आपको मिलेगा, कहीं 120 का, लेकिन जहाँ से मैंने लिया है तो मुझे 150 का मिला है। और ये मेरे भाई की दुआ खैर थी कुछ दिन पहले, तो मेरी भाभी ने मुझे रिकमेंड किया था कि ये लगाओ, इससे बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो यकीन करें, जब मैंने इसको अप्लाई किया तो मुझे फ़ौरन मेरी स्किन इतनी ज़्यादा नीट हो गई थी कि मज़ा आ गया था। तो मैं आपके साथ इसको आज शेयर करती हूँ। इसकी जो इसमें साशे होते हैं छोटे छोटे से, फिर मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। और इसके बहुत बेस्ट है, आप इसको लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए इस तरह से, यहाँ ये इसके अंदर सारा इसका सामान है, ठीक है। मैं आपको 1 by 1 सबके बारे में बताती हूँ, ठीक है। और इसके जो स्टेप्स हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हमने इसको अप्लाई करना है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना हमारे पास वो है क्लींज़र, फेशियल क्लींज़र। इसके ऊपर इसके ऊपर ना तमाम इसके स्टेप्स लिखे हुए हैं, इसको अप्लाई किस तरह करना है, उर्दू इंग्लिश सब में लिखा हुआ है। आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं और ये मेरे ख्याल से 2 से 3 दफ़ा आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने इसको जस्ट फेस पे अप्लाई करना है, अगर आपने हाथों पे भी अप्लाई करना है तो शायद आप इसको 2 दफ़ा इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, सबसे पहले आपने इसमें क्लींज़र है, ये क्लींज़र जो है तो आप डेली बेसिस पे वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके ऊपर लिखा हुआ है विटामिन सी, इसमें सिट्रिक एसिड मौजूद है। और ये जो स्किन पॉलिश है, ये तमाम जो स्किन टाइप होती हैं उसके लिए, तो आपको कोई टेंशन रहने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी स्किन सेंसिटिव है, मेरी स्किन नॉर्मल है, ड्राई है। ईच एंड एवरी स्किन के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं ईजिली, ठीक है। ये हो गया, अभी मैं आपको अप्लाई करके भी दिखाती हूँ। अभी जस्ट मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। पहले आपने फेशियल क्लींज़र किया, 5 मिनट के लिए आपने इसकी क्लींजिंग कर ली। देन हमने बनानी है ब्लीच, जैसे हम नॉर्मल ब्लीच बनाते हैं उस तरह ब्लीच बनानी है। इसको साइड पे कर देते हैं। ये ब्लीच की 4 चीज़ें हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने इसमें डालना है ब्लीचिंग पाउडर, देन इसमें डालना है डिवेलपर इसका, और उसके बाद डालना है स्किन शाइनर, और उसके बाद डालना है सूदिंग लोशन। और आप ये ब्लीच जब अप्लाई करेंगे और इतना रिफ्रेशिंग, इतनी रिफ्रेशिंग फील आती है आपको, बिल्कुल जलन नहीं होती है और आपका एकदम से ठंडक का एहसास होता है, बहुत ही मज़ा आता है। ये ब्लीच करने के बाद मुझे तो बहुत अच्छा लगा था, ठीक है। जब ये ब्लीच हो जाएगी, इसको आपने रखना है, ऊपर लिखा हुआ है 7 से 8 मिनट, लेकिन अगर आपके थोड़े से हार्ड बाल हैं तो आप इसको 10 to 15 मिनट्स रख सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में आपने अप्लाई करना है मड मास्क। इसका वैसे अपना जो सॉफ्ट टच वगैरह की ब्लीच के फेशियल के साथ आता है मिनरल मास्क, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसकी अपनी जो चीज़ें हैं ना, ये बेस्ट हैं। ये आप मड मास्क इस्तेमाल करेंगे, ये भी आपने 10 मिनट रखना है बाद में, तो इससे क्या होगा कि मॉइस्चराइजिंग का काम देता है, आपकी स्किन को टाइट करता है और बिल्कुल नीट कर देता है आपकी स्किन में। इसमें विटामिन सी, एलोवेरा यूज़ हुए हैं। और ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बना के दिखाती हूँ, अप्लाई करके दिखाती हूँ अपने हैंड्स पे, फिर आपको इसका रिज़ल्ट सामने शायद इतना क्लियर नज़र आए वीडियो में, लेकिन जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। मेरे कहने पे इसको एक दफ़ा ज़रूर यूज़ करें, आपको इसके अमेजिंग रिज़ल्ट मिलेंगे, पार्लर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं आपको बताना भूल गई थी कि इसके साथ आपको एक फ्री में स्पंज भी मिलेगा, जो आप वॉश वगैरह करेंगे, क्लीन करेंगे ना अपनी लगा के ब्लीच, इससे करेंगे, ये आपको फ्री मिलेगा, ठीक है। अब मैं आपके सामने अप्लाई करती हूँ, इसको थोड़ा सा काट लेंगे साइड से। अच्छा, थोड़ा सा आपने अपने जो फेस पे अप्लाई करना है, मैं तो हैंड्स पे अप्लाई करके दिखा रही हूँ, तो आपने इसको थोड़ा वेट कर लेना है, उसके बाद आपने इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी है, देन इसको अप्लाई करना है इस तरह, इसकी फोम सी बना लेनी है झाग, ठीक है। और इस तरह इसको हल्के हाथों से मसाज करना। क्लींजिंग के स्टेप्स तो आपको पता ही होते हैं,
बिल्कुल वैसे ही आपने इसको इसकी क्लिनजिंग करनी है अपने फेस के ऊपर, और ये आपने जो प्रोसेस है ये आपने करना है 5 मिनट के लिए, ठीक है। 5 मिनट तक आप इसकी क्लिनजिंग करते रहेंगे। तो उसके बाद यह है कि थोड़ा थोड़ा इसमें पानी लगाते रहेंगे, इसको गीला करते रहना है, जैसे कि पॉलर्स वाली अक्सर आपने देखा होगा क्लिनजिंग करते वक्त गीला करी होती हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, मैं 5 मिनट तक इसको इस तरह से मसाज करती हूँ, देन मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। अब 5 मिनट हो गए हैं, अब मैं इसको ये जो साथ इसके स्पंज मिला है इससे साफ़ कर दूँगी। ये जो क्लिनजर है ना इसका, इसका बड़ा अच्छा रिज़ल्ट है। जब इसको वैसे भी अप्लाई करें, स्किन पॉलिश वगैरह ना भी कर रहे हो तो ऐसा क्लिनजर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको अच्छी तरह से साफ़ करती हूँ। ये देखिए मैंने इसको साफ़ कर लिया, इसका रिज़ल्ट देखिए, ठीक है, बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आया है। अच्छा, अब ये हो गया। इसके बाद ना हमने बनानी है ब्लीच, ठीक है, जो स्किन पॉलिश का सेकंड स्टेप होता है। इसमें आप अपनी सेंसिटिव स्किन अगर जिनकी है तो थोड़ा सा आप मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हैं और थोड़ा सा रोज़ वाटर ऐड कर लें, ठीक है। लेकिन मैं नॉर्मल तरीका बता रही हूँ जो कि इसके ऊपर मेंशन है, उस तरीके से आपको बनाना बता रही हूँ, ठीक है। तो अच्छा, इसमें मैंने सबसे पहले शामिल कर लिया ब्लीचिंग पाउडर, ये मैंने 1/2 टीस्पून शामिल किया है, ठीक है। उसके बाद मैंने इसमें इसी का डिवेलपर जो है वो मैंने 1 टीस्पून डाला है, ठीक है, 1 टीस्पून शामिल कर दिया। मैंने ये सब चीज़ें ऐड की थी लेकिन थोड़ी सी जो वीडियो रिकॉर्डिंग है उसमें प्रॉब्लम आ रही थी तो फिर वो मैंने डिलीट कर दिया, इसलिए मैं आपको दोबारा से बता रही हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये बना लिया था, थोड़ा सा बेटर मिक्सचर इसका। उसके बाद मैंने इसमें स्किन शाइनर शामिल किया है और बाकी जो सिर्फ डिवेलपर 1 टीस्पून डालना है, बाकी जितनी चीज़ें हैं ब्लीच की वो हमने 1/2 टीस्पून डालनी है, ठीक है। अब स्किन शाइनर मैंने इसमें 1/2 टीस्पून शामिल किया है और स्किन शाइनर का काम तो आपको पता है, ये ब्लीच में सिंपल ब्लीच आप घर में कर रहे हैं उसमें भी ऐड करते हैं, आपकी स्किन को बहुत ग्लोइंग इफेक्ट देता है, शाइन ले आता है आपकी स्किन के अंदर। और उसके बाद लास्ट में मैंने डाला है इसमें सूदिंग लोशन, ठीक है। सूदिंग लोशन जो है ये तो मस्ट है, टी ऑयल इसमें ऐड होता है और ये तमाम स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। ये आपकी स्किन अगर सेंसिटिव है तो उसके लिए तो बेस्ट है, क्योंकि अक्सर लोगों को ब्लीच के बाद रैशेज़ वगैरह हो रहे होते हैं, इचिंग हो रही होती है, तो ये लगाने के बाद आपको बहुत अच्छा कूलिंग इफेक्ट आएगा। ये ब्लीच तो वैसे ही बड़ी मज़ेदार है, आप इसको लगाएंगे तो आपको बहुत ठंडा ठंडा एहसास होगा, तो ये आपने ज़रूर शामिल करना है। इसका मैंने 1/2 टीस्पून शामिल किया, ठीक है। यह ब्लीच की सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं जो कि इसके पैकेट में साशे था और जो इसके इंस्ट्रक्शंस थी उसके मुताबिक मैंने इस पर सब कुछ शामिल। तो आप अपनी फेस के हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं चीज़ों को। अच्छा, ये लास्ट में मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ ये वाइटनिंग कैप्सूल है मेरे पास, ठीक है, और ये डालिया कीजिए जब भी आप ब्लीच बनाते हैं तो इसका बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आता है। इससे जो रिज़ल्ट होता है ना हमारी ब्लीच का, ये डबल हो जाता है। तो घर में जब भी मैं ब्लीच वगैरह बनाती हूँ तो इसका ये ज़रूर ऐड करती हूँ। यहाँ मैंने इसमें एक शामिल कर लिया, ठीक है। तो अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी, उसके बाद फिर हम इसको अपने हाथों पे अप्लाई कर लेंगे, फिर मैं आपको बताती हूँ। तो थोड़ी देर इसको मिक्स करना है, मिक्सिंग भी अच्छी होनी चाहिए ताकि जितनी भी चीज़ें इसमें शामिल की ये अच्छी तरह से आप इसमें दूसरे के साथ मिक्स हो जाएं। और ये देखिए इसको जो अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया। अच्छा, अब मैं आपको अप्लाई करके बताती हूँ, इसको ना को ऊपर की साइड पे, ऊपर की साइड पे आपने इसको अप्लाई करना है, ठीक है। फेस पे भी आप अप्लाई कर रहे हो तो आपने इसको उस तरह ऊपर की साइड पे अप्लाई करना है और ज़्यादा मोटी नहीं लगानी है लेयर, बस एक पतली सी लेयर इसकी लगा लेनी है। देखिए इस तरह मैंने इसको अपने फिंगर्स पे लगा लिया अच्छी तरह से। अच्छा, आप फेस पे अप्लाई करेंगे तो आपका जो टी जोन होता है ना उसको और जो आपकी चीज़ के नीचे वाला ऐसे आइस के नीचे वाला हिस्सा है वहाँ पे थोड़ी देर लगाने के बाद आपने इसको वहाँ से रिमूव कर लेना, क्योंकि ये पार्ट्स बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो यहाँ से जल्दी, उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन में भी लिखा हुआ है कि टी जोन और ये जो पार्ट होता है हमारा, यहाँ से आपने ब्लीच को हटा लेना। अक्सर आपने नोट किया होगा कि पॉलर वाली भी क्या करती हैं कि ब्लीच जब लगाती हैं तो यहाँ से जल्दी से हटा लेती हैं, क्योंकि यहाँ पे रेड स्किन हमारी जल्दी हो जाती है और जलन वगैरह भी होने का यहाँ पे इम्कान ज़्यादा होता है, ठीक है।
तो मैं अभी सिर्फ एक हाथ पे अप्लाई कर रही हूँ, दूसरे हाथ को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। फिर मैं आपको कंपैरिजन दिखाऊंगी कि डिफरेंस क्या है। ठीक है, ये मैंने जब अप्लाई की थी तो मुझे इसका बड़ा अच्छा रिजल्ट आया था। जैसे कि मैंने आपको बताया, भाई के निकाह दुआए खैर पे जाना था, तो उस वक्त स्किन इतनी अच्छी नहीं थी, ईद भी थी, ईद गुजरी थी और हम बड़ा घूम घुमा के आए थे तो थोड़ा सन टैनिंग भी हुई थी, तो उसके इसने मुझे बड़ा अच्छा एक रिज़ल्ट दिया था। देन इसको मैंने खुद से बाय किया और फिर मैंने कहा चलो मैं वीडियो शेयर करूँगी आप लोगों के साथ इसकी, क्योंकि मुझे तो इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया। तो क्यों ना जो मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, वो लोग भी इसको लगाएं और इन्जॉय करें। और प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसी तरह मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाऊंगी। मैं वही वीडियोस लेके आती हूँ जिससे मुझे रिजल्ट मिलता है, ठीक है, वही मैं फार्मूला वगैरह लेके आती हूँ जिससे मुझे रिजल्ट मिलता है। उसके अलावा मैं आपके साथ कोई भी ऐसी चीज़ शेयर नहीं करूँगी जो मैंने सुनी हो और खुद अप्लाई ना की हो। तो अभी मैं इसको रखूँगी तकरीबन 10 मिनट और उसके बाद फिर मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाऊँगी। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर वीडियो को स्किप करती हूँ वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये देखिए 10 मिनट हो गए हैं और अब मैं आपको इसको वॉश करके दिखाती हूँ। ठीक है, इसका रिज़ल्ट फिर आप देखिएगा। इसको आप अप्लाई करें और मुझे फिर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको इसका जो रिज़ल्ट है वो मिला है कि नहीं मिला। और अगर आपको ये पसंद नहीं भी आई तब भी मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि ये कमाल है मैं इसलिए कह रही हूँ कि मुझे बड़ा अच्छा इसका रिज़ल्ट मिला। ठीक है, ये मैंने इसको साफ़ कर लिया और अब भी आपको बाल नज़र नहीं आ रहे होंगे मेरी, जो ये दिखे जो बाल थे ये भी ब्राउन हो गए हैं अभी, इसमें तो आपको बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा होगा। ये आप देख लें, ये आप फ़र्क देख लें दोनों हाथों का। ठीक है, अच्छा अब जो लास्ट स्टेप है ना, ये देखें, मैंने कोई फिल्टर कुछ भी नहीं इसमें लगाया हुआ इस टाइम। अच्छा अब जो लास्ट हमारा स्टेप है वो है मड मास्क। मड मास्क लगाना है और ये आपने रखना है तकरीबन 10 से 15 मिनट। ठीक है, ये भी आपकी मर्ज़ी है और मैं तो इसको 10-15 मिनट रखती हूँ। ठीक है, ये मैं आपको अब लगा के दिखाती हूँ। ये आपने, अच्छा मैं आपको बताना भूल गई, जितनी मैंने क्वांटिटी ली थी ना मैंने सिर्फ एक हाथ की ली थी। ठीक है, क्योंकि मैं आपको जस्ट इस हाथ पे अप्लाई करके बता रही थी, तो आपने क्वांटिटी को डबल कर लेना फेस पे अप्लाई करने के लिए। सेम इसी जो रेशो है इसको डबल कर लेना आपने। ठीक है, और उसके ऊपर वैसे लिखा भी है, ये देखें, ये मैंने इसको लगा लिया। इसकी बहुत मोटी, इसकी भी तह नहीं लगा लेनी है, बस इतना जितना आपका फेस अच्छी तरह से कवर हो जाए। इसको अब मैं छोड़ दूंगी तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए और फिर मैं आपको इस दिखाऊंगी इसका रिज़ल्ट। देन आप ख़ुद देख के हैरान हो जाएंगे, इतना अच्छा रिज़ल्ट आएगा। और ये जो है ना, इन्होंने बड़ी अच्छी ये निकाली है, ख़ासकर ये जो कोरोना के डेज़ हैं, हम पॉलिश वगैरह नहीं जा रहे होते हैं तो उसके लिए तो ये बड़ा अच्छा हो गया कि अब घर में हम स्किन पॉलिश कर सकते हैं सिर्फ 150 रुपीज़ में। और ये आप महीने में 2 से 3 दफ़ा इसको ज़रूर यूज़ करें, आपकी स्किन इतनी अच्छी हो जाएगी। और उसके अलावा इनका जो फेशियल है वो भी बहुत अच्छा है, वो भी मेरे पास पड़ा हुआ है, वो भी मैं आपको किसी दिन फेशियल करके भी बताऊंगी। इसका फेशियल भी बहुत अच्छा है, उसके तो सिर्फ 2 स्टेप्स ही हैं फेशियल के। और ये है कि स्किन पॉलिश में ब्लीच ऐड है, तो ये मुझे बहुत पसंद आया। तो अभी मैं आपको आफ्टर 15 मिनट्स इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ, तब तक मैं फिर वीडियो को स्टॉप कर रही हूँ और फिर मैं आपको बताऊँगी इसका रिज़ल्ट। 10 से 15 मिनट लगाने के बाद इसकी जो है ना मड मास्क जो हमने लगाया था, ये बिल्कुल स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद भी इसको स्पंज से साफ़ कर लेंगे अच्छी तरह से और फिर ये हमारा जो स्किन पॉलिश का अर्जेंट स्किन पॉलिश है, ये देखें कंप्लीट हो गया। बस इतना सा काम था। ये आप वैसे ऊपर तो 7 से 8 मिनट लिखा है सबका, लेकिन आप इसको 10 से 15 मिनट में आप इसको आराम से इसको लगाएं और साफ़ करें। ये इसके सारे थोड़े थोड़े स्टेप्स हैं, ऊपर तो वैसे लिखा हुआ है कि 7 से 8 मिनट सबका, लेकिन मैंने इसको ज़्यादा देर थोड़ा रखा है क्योंकि अपनी स्किन होती है आपकी। मेरे थोड़े हार्ड बाल थे, ये देखें, ये गोल्डन बड़े अच्छे हो गए हैं यहाँ से बाल सारे, तो बड़ा अच्छा। अब ये देखें दूसरे हाथ का रिज़ल्ट और इसका बड़ा अच्छा रिज़ल्ट इसका आया है। और ये आप इसको मंथ में 3 दफ़ा अप्लाई करें या आप 1 दफ़ा ला के रख लिया करें और आप इसको यूज़ करें।
इंशाल्लाह बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स आएंगे, देन मेरे साथ ज़रूर ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ मुझे बताएं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे लेके आऊँ, किस चीज़ पे आप वीडियो देखना चाहते हैं, बालों पे और स्किन केयर पे, या कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप देखना चाहते हैं, मैं उस पर वीडियो नेक्स्ट लेके आऊँगी। तो उम्मीद है मेरी आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी, और जितना प्यार आप मेरी बाकी वीडियोज़ को दे रहे हैं, उम्मीद है कि इस वीडियो को भी उतना ही प्यार मिलेगा। तो दुआ में याद रखिएगा नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, और इसको ज़रूर यूज़ करें, इसके रिज़ल्ट्स मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और दुआ में प्लीज़ मस्त याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।